सो गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो गई फिर से, पूरी की पूरी नहाई है। वॉश के लिए नहीं किए मैंने। सो पानी ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं नहा गई, और अभी जो मैं जा रही हूँ मम्मा के पास, और बहुत दिन हो गए गुड़िया के पास नहीं गई थी, तो गुड़िया से भी मिलाऊँगी और मम्मा के पास भी जाती हूँ कि क्या ही कर रहे हैं वो लोग। सो गाइस, बेबी सोई हुई है और मैं आई हूँ लुकाट लेने। आपको ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है जहाँ पे दुपट्टा है, इसमें लगे हैं लुकाट। तो चलो आप निकालते हैं। देखो कितने अच्छे लगे हुए ना, पक चुके हैं ये। इनको ढक के रखा है ताकि चिड़िया वगैरह ना खाए। सो गाइस, एक कलोल हो गया मेरे साथ। जिस चीज़ के लिए गई थी वो चीज़ तो हुई नहीं, क्योंकि मेरे को ना गुड़िया से बात करने का बहुत ज़्यादा मन था, छोटी बेबी से, जेठानी की बेटी। तो वो थी सोई हुई और मैं आ गई, और मैंने एक चीज़ ले आई, वो है ये वाला पौधा जो जिसको हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, जो पत्थरी वगैरह में खाने के काम आता है। सो हस्बैंड को जो है पत्थरी निकली हुई है, तो पौधा लगाएंगे फिर उनको पत्ते दिया करेंगे रोज़ खाने के लिए। तो सुबह भूखे पेट खाने होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पौधा कैसा है। ये वाला है देखो, इसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखो इसकी जड़। तो इसको लगाऊंगी और रोज दूंगी। देख मेरी बॉडी। दिखा अपनी बॉडी दूसरी। बस 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 बस। अच्छा, और कितना स्मार्ट है। हाँ, और उसके बाद मैंने तुम्हें बात छूनना। क्यों छूनूं? छूनना। मैं सारे ही कपड़े उठा के ले आई हूँ छत से, इतने सारे हैं। और मेरा गोली मोलिया भी सोया हुआ है, और मम्मा गए हैं पानी को, तो मम्मा ने कहा कि मैं पानी ले आती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े उठा लेती हूँ और फोल्ड भी कर देती हूँ तब तक। और अभी ना आरुष सोया हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो इसको सुलाया, 2 घंटे लगा के। इसको दिखाती हूँ आपको, मेरा गोली मोलिया भी सोया हुआ है। ये देखो भाई, इतने प्यार से सोया है। बहुत ज़्यादा तंग किया मम्मा को इसने, उसके बाद सोया। ये देखो कितने प्यार से सोया है। उठ जाएगा ना तो फिर से पंगा पड़ जाएगा, इसको सोने ही देती हूँ आराम से। अभी मैं फटाफट से ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। बस जब धूप में काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब सिर में पेन होने लगता है। तो आपको अंधेरा अंधेरा लगेगा इस रूम में, क्योंकि मैंने अंधेरा करके किया हुआ है, जो पर्दे वगैरह जो है बंद कर दिए हैं। तो चलो फटाफट से कपड़े फोल्ड कर।
गाइस यहाँ पे मैंने सारे ही कपड़े वॉश किए थे आज, और अभी सारे फोल्ड करके रखती है। इस साइड जो है पापा जी के और मम्मा के कपड़े हैं, और चादरें हैं कुछ ऊपर तीनों रूम की। यहाँ पे आरुष के कपड़े हैं, यहाँ पे टॉवल्स हैं। टॉवल आज सारे हमने वॉश किए, सारे ही घर के, किचन के, वॉशरूम के, और अपने जो भी सारे यूज़ करने वाले टॉवल हैं वो सारे भी वॉश किए हमने। और यहाँ पे मेरे ही कपड़े हैं ये, और कुछ नाइट सूट थे, कुछ सूट थे घर में पहनने के, तो हमने सारे के सारे वॉश कर लिए हैं आज। और नीचे यहाँ पे आरुष के पापा के कपड़े भी हैं, सो सबसे ज़्यादा मेरे ही हैं। और ये कुछ बेडशीट्स थी जो हमने रूम की हफ्ते में शायद 2 या 3 बार हम चेंज करते हैं और वॉश करते ही हैं। 3 बार तो कन्फर्म ही है कि 3 बार हफ्ते की 3 टाइम जो है चादरों को बदला जाता है हमारे घर में। और आज सुबह ही मैंने अपनी बेडशीट चेंज की हुई है, ये वाली बिछाई हुई है। ये गर्म है और थोड़ी सी सलीन टाइप की है ना, उस टाइप की है, तो मुझे ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म चीज़ ही यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पेट में दर्द रहता है ठंडी की वजह से, सो उस चीज़ के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है अपना। सो कंबल भी मैंने अभी नहीं उठाया क्योंकि मुझे रात को कंबल लेके सोने की आदत है। और अभी जो है आरुष सोया हुआ है, आरुष को नहीं उठाते हैं क्योंकि अभी उसको मैंने बड़ी मुश्किल से सोया और काम मेरा हो गया। एंड अभी जो है मुझे बनाना है खाना शाम का, शाम के खाने की तैयारी है। आज बैंगन बनाएंगे, और बैंगन के लिए पहले बैंगन को कट करना पड़ेगा। तो बैंगन को कट करने के लिए हमें प्रोसेस करना क्या है, बैंगन को लेना है, उसके छिलके निकालने हैं और उसको कट करना है, फिर उसको तड़का देना है, और बस हो गया। सो सबको पता होगा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, तो मैं ना आज बिना छिलके वाला बैंगन बनाऊंगी क्योंकि छिलके इसके ना अजीब से हैं यार। देखो शॉप पे भी सब्जियां जो है फ्रेश नहीं आ रही है, ऐसी ही है हर कुछ, ऐसे बैंगन है। और कल की लाई थी सारी सब्जियां, दुकानदार भी क्या करें, उनके पास भी पुराना स्टॉक है। तो ये है, इनका छिलका हम निकालेंगे क्योंकि ये पकता नहीं है, तो मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। भाई भाई कहाँ है भाई, मुनु भाई कहाँ है, मुनु भाई कहाँ है भाई, भाई। फिर से एक बार फिर से देखो मामा रंग को शर्ट अब करो मुना मुने हेलो ओ भाई कहाँ है भाई कहाँ है भाई कहाँ है मुनु भाई कहाँ है नहीं भाई कहाँ है भाई चंपू ए चंपू चंपू भाई कहाँ है भाई बोल चाची 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 क्या बोल मुन्नी छोड़ मुन्नी क्या बोल रही भाई भाई तिथु था मुन्नी तिथु ई करो ई तेरे तो बोल रहे
मना तीथु मुना मुनु ये कौन है ये कौन है ये मम्मी मच्छर आ गए मच्छर तो आ गए मम्मी इसके मुंह वाले देखी थी मच्छर को मछली गंदी बात चेंडू दिख दिए चेंडू देखो इसको क्या बोलते हैं चेंडू नीचे अंदर डाल नहीं नीचे रख मुना हेलो मुना मुने मुनु दे लो बुआर उन्हें डांस कर ला मेरे लिए आप मैं इनकी त्रास आप मुनी डांस कर ला डांस कर ला पहले आया नहीं कर दीजिए मैं वीडियो लाइव बनाने तेरे आगे क्या आया करी मुन डांस कर ला डांस कर फ्रॉक चक्की के फ्रॉक चक्की के ना मना मानी की अभी ना मना मानी की नहीं की बोल मम्मा को नामा नामा करा मेरे को बोल बोलू मम्मा को बोल नामा करा मेरे को आई से बोल दी नामा करा भी मुझे तो गाइस आप देख ही सकते हो शाम के टाइम लग गया यहाँ पे बारिश ये देखो सो गाइस हम बैठे हैं बारिश का मज़ा लेने और आरुष भी है साथ में सो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सी यू सून